नमस्कार, मैं जय श्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कई वादों को, खासकर सरकारी वादों को पूरा होने में सदियां गुजर जाएं, लेकिन उन वादों की आस थोड़ा सुकून देती है और कुछ गुड फील कराती है। बस ऐसा ही वादा है बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन की योजना चाहे कहीं पड़ी हो, लेकिन मोदी जी की बात पर यकीन किए हैं कि बुलेट ट्रेन आएगी तो मान बैठे हैं, आएगी। कब आएगी ये ना पूछें। अब इस खबर में ये खबर हो कि वो बुलेट ट्रेन मेवाड़ और वागड़ यानी कि उदयपुर डूंगरपुर से होकर गुजरेगी तो फिर बात ही निराली है। अब कब आएगी, कब गुजरेगी, उदयपुर डूंगरपुर में रुकेगी या नहीं, ये बात जाननी है तो पूरी खबर जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि देश की 5 बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। कुछ समाचार पत्रों से, कुछ सूत्रों से सूत्र निकल आए हैं कि इसमें से एक ट्रेन डूंगरपुर से होकर गुजरेगी। दिल्ली से अहमदाबाद तक 886 किलोमीटर में ट्रैक बनेगा। प्रस्तावित नया ट्रैक बुलेट ट्रेन के लिए राजस्थान का पहला ट्रैक होगा। इस ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली के अधिकारियों का एक दल शुक्रवार को डूंगरपुर आया और कलेक्टर सुरेश ओला से प्रोजेक्ट सर्वे के लिए मुलाकात की। NHSRCL के सोशल डेवलपमेंट एवं संयुक्त सचिव अनिल शर्मा और रेल पथ सर्वेक्षण उप महाप्रबंधक राव प्रदीप कुमार ने कलेक्टर को इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कलेक्टर से दिल्ली से अहमदाबाद वाया जयपुर उदयपुर डूंगरपुर 886 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए किए जाने वाले डेटा कलेक्शन के लिए सहयोग मांगा। डूंगरपुर के लिए यह बड़ी खुशी की सौगात है कि यहां से गुजरने वाला बुलेट ट्रेन का ट्रैक राजस्थान का पहला और देश का सबसे लंबा ट्रैक होगा। यह ट्रैक 508 किलोमीटर लंबा, मुंबई नासिक नागपुर 753 किलोमीटर, मुंबई पुणे अहमदाबाद 711 किलोमीटर, चेन्नई बेंगलोर मैसूर 435 किलोमीटर तथा दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जलंधर अमृतसर 559 किलोमीटर का है, जबकि दिल्ली अहमदाबाद वाया जयपुर उदयपुर डूंगरपुर 886 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। और सबसे बड़ी बात, मुंबई अहमदाबाद वाया पुणे ट्रैक को इससे जोड़ा जाएगा। फिर इसके बाद दिल्ली से मुंबई वाया अहमदाबाद डूंगरपुर उदयपुर जयपुर जुड़ जाएगा। रेलवे के सूत्रों के अनुसार दिल्ली वाराणसी और मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट के बाद अब दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई समेत कई शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जा सकता है। रेल मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। कॉरिडोर बनाए जाने की संभावना को देखते हुए इसकी DPR तैयार कराई जा रही है। केंद्र की हरी झंडी मिलते ही मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर पहले से ही काम चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश भर में किए गए 5 कॉरिडोर में से दिल्ली अहमदाबाद वाया जयपुर उदयपुर डूंगरपुर को मंजूरी मिल सकती है। इस कॉरिडोर को मंजूरी मिलने की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि PM मोदी गुजरात को देश भर की कनेक्टिविटी दे रहे हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक अभी बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए है। 5 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद 886 किलोमीटर, मुंबई नासिक नागपुर 753 किलोमीटर, मुंबई पुणे अहमदाबाद 711 किलोमीटर, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर 435 किलोमीटर, दिल्ली चंडीगढ़ लुधियाना जलंधर अमृतसर 459 किलोमीटर। आपको बता दें कि जमीन वाली रेल लाइन पर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा, बुलेट ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक बनाया जाता है। यह जमीन से करीब 10 मीटर की ऊंचाई एवं 17 मीटर की चौड़ाई का होता है। इस ट्रैक पर जयपुर की मेट्रो ट्रेन के समरूप ही ट्रेन चलती है। बुलेट ट्रेन के स्टेशन जमीन पर बनेंगे, लेकिन ट्रेन में बैठने के लिए ऊपर जाना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन को हम जमीन पर चलने वाली रेल के ट्रैक पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जमीन वाला ट्रैक अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटा वाला होता है। इससे अधिक गति बढ़ाई जाए तो ट्रैक हिलने लगता है और उखड़ सकता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो तैयार रहिए, आएगी आपके उदयपुर में और डूंगरपुर में बुलेट ट्रेन। अब आप पूछेंगे कि कब आएगी, तो उसके बारे में समझ लीजिए, अभी सर्वे चालू है। खबरें सर्वे की छपेंगी, फिर ट्रैक बनेगा, करीब 15-20-25 साल तो लग ही जाएंगे। इससे ज्यादा हो तो आप और हम तो शायद इस बुलेट ट्रेन में बैठे हमारे आने वाली पीढ़ी जरूर बैठ जाएगी। तब तक देखते रहिए सीबीसी न्यूज राजस्थान। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।